वाहेगुरु जी की फतेह। पदक पावन भगत वत्सल करुणा निदान शब्द सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच गड़ बैठ संध्या दे सोने दीवाना दा आप जी आनंद माण रहे हो। हर रोज की तरह सुभाग प्राप्त होया आओ इन्हां घड़ियां नूं सतसंग दे रूप विच सफलिया बनाइए। गुर इतिहास दे पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता, करतारपुर साहिब दी पावन धरती ते गुरु नानक देव पातशाह गुरु अंगद देव महाराज तो जपजी साहिब नूं तरतीब विच लिखवा रहे हैं। उपरंत इस बाणी का महात्म कलयुग के वेले विच वड़ियाई संगतां दे ताईं दरसाई होर भी बेअंत बाणियां गुरु अंगद देव पातशाह जी ने तरतीब विच लियांदियां, क्योंकि इस तो पहला सतगुरां ने दर पर दर थां पर थां बाणी नूं उच्चारण कीता होया सी। अज इस बाणी नूं तरतीब बख्शी गई, बाणी का नाम दिता गया सिद्ध गोस्त दखणी ओंकार। होर भी बाणी जदों कि कार्य संपूर्ण होया गुरु नानक साहिब महाराज ने गुरु अंगद देव महाराज नूं आखिया साडी आग्या मनो तुसी करतारपुर साहिब छड के खडूर साहिब चले जाओ, असी तन दा परित्याग करना चाहुंदे आ। जदों ये वचन गुरु अंगद देव महाराज ने सुने अखियां चो नीर मन भर आया। जिस गुरु पातशाह की सेवा दे विच दिन रात एक कीता सतगुरु कहिंदे पुरखा चलिया जा, इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्थार सहित कल सरवण कीता। आओ कुछ समा मन व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए, प्रेम दी पाओ सांझ, बख्शो आसीस। गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। त्यागण तन को समझियाही, तब दरसों मैं आए कि नाही। जदों भरे दरबार विच गुरु नानक साहिब दियां ने अपने स्वरूप गुरु अंगद देव पातशाह नूं इह वचन आखे तुसी खडूर साहिब अपने नगर चले जाओ, फिर दूजे पातशाह हाथ जोड़ के आखन लगे दातार मैनू पता है आप पंज भूतक शरीर का परित्याग कर दोगे, ये पंजा तत्तां का शरीर मिट्टी च बलीन हो जाएगा कि आप जी की आग्या है असी तुहाडे अंतम दर्शन इत्थे करना सकी। गुरु अंगद देव महाराज
बड़ी भावना के नाल गुरु नानक साहब जी के सन्मुख निम्रता विच वैराग विच भर के अर्ज करते ने आए सुदेह तो आऊं समीपा सुन बोले बेदी कुल दीपा पातशाह जे तुहाडी आग्या होवे ते असी तां आईए क्योंकि सिख का फर्ज है गुरु का वचन कमाउणा गुरु की रजा दे विच रहना यह सिख का जीवन है। गुरु नानक साहब महाराज गुरु अंगद देव पातशाह के वचनां नूं सुन के आखण लगे पुरखा तुसी इत्थे नहीं आउणा। इहदा भाव की है कि पक्के तौर ते चले जाओ करतारपुर साहिब छड दिओ इत्थे पैर ना पायो रोबने आवो तबीट मन दा वैराग जान गुरु नानक साहब आखन लगे तुसी इत्थे नहीं आउणा असी ही खडूर साहब आ जांगे आखो सतनाम तुसी ना है। गुरु अंगद दे मन ने वचन सुने अखां चो नीर नहीं बंद हुंदा मन वैराग दा भरिया जिस प्यारे से ओ ने हो तिस आगै मर चली है त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवन पर गुरुदेव का हुक्म है तुसी करतारपुर साहब नहीं आना। उहदा कारण भी गुरु पुत्र तुहाडा विरोध करनगे क्योंकि गुरगद्दी के मालिक ने गुरु नानक साहब का रूप ने गुरु अंगद के पातशाह पुत्रां ने ते पिता का सत्कार नहीं किया। बड़े विस्तार साहब आप जी ने सुने हर गल ते जवाब जद सतगुरु कोई काम कहिंदे सी आखदे सी बापू जी तुहाडी उम्र वडेरी हो गई ये काम सेवकां दे करन वाले ने तुसी पुत्रां नूं आखदे हो असी ते गुरु पुत्र सारियां कसवटियां दे विच पास होए भाई लहना जी पास ही तां होए गुरु दा हर वचन सिर मत्थे मन्निया हर वेले गुरु बाबा जी आखण लगे असी खडूर साहिब आ जांगे तुसी इत्थे ना आयो ज्यौदे जी अज तुहाडे ते साडे आखरी मिलाप हन जिस बिद को नहीं सकै लखाई त्यों तब आए मिले तुझ ताई असीं इस तरीके नाल तुहाडे कोले आवांगे कोई जान ही नहीं सकदा। गुरु नानक साहिब ये वचन भविख दे ने जदों गुरु नानक साहब जीआं ने पंज भूतक शरीर का परित्याग करना है क्योंकि गुरु शरीर नहीं है असी शरीरां नाल जुड़े हुए दस सरूपां दे विच सतगुरां ने सानू यही ते सिखाया भी शब्द गुरु है। शरीर एक चोर का भी ओह जा साध का भी ओह जा फकीर का भी ओह जा पंजां तत्तां तों ही बनिया होया पर अवस्था वड्डी है। सतगुरु आखदे असी आवांगे तुहाडे विच समावांगे दुनियावी पद्धर ते इस अवस्था नूं जां तुसी जाणोगे जां असी जाणांगे कोई वेख नहीं सकदा। सुन के श्रोण बचन जग गुर के चलियो न चहत न केत बिछर के गुरु अंगद दे पातशाह जाणा नहीं सी चाहुंदे सतगुरां तों बिछड़ के मन बहुत बरागी सी किन्ने साल हो गए गुरु नानक साहब की सेवा विच दिन रात एक कीता बड़िया कसवटियां सतगुरां ने लाइया कदे डांगा मारियां सोटे मारे पत्थर मारे कई कई दिन भुखे ते प्यासे नाल रखिया भजाया भी हर कसवटी चो खरे उतरन वालियां नूं अज बड़ा सौखा जिहा पातशाह ने कहता अंगद देव जी चले जाओ। यह भाव की है ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਰੰਭ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना होए। नानक हुक्म है जे बुझे ता हौमे कह ना कोई। जिन्हां दे अंदर हौमे नहीं उन्हां ने हुक्म नू जाने है, हुक्म नू बुझे है, हुक्म नू जीवन विच अप्लाई कीता है, उन्हां को जवाब नहीं होता। ये प्रेम दी निशानी है। मत्था टेकया चार प्रकरमा गुरु नानक साहब दियां कीतियां। नेत्र भरे ने, गल भरे आ, कुछ बोलिया नहीं जाता, गुरु नानक साहब दियां ने बड़ा उठ के सत्कार किया। क्योंकि जो वह भाई लहना से उदो सतगुरु सीस से हाथ रखते, पर हुण वह गुरु अंगद, वह गुरु नानक का स्वरूप है। उठ के सतगुरु गल ने प्यार नाल वधाई दी है। तो गुरु अंगद देव महाराज साडा विरोध किया, ये कौन होते हैं सानू सेवादार कहने वाले? निम्रता जी ने, यह बड़प्पण से गुरु अंगद देव पातशाह जी का, यही तो गल है। फिर बाबा श्री चंद जी आके पंजवें स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज को आखते, सतगुरु जी एक निम्रता ही सी जिस करके तुसी साडे पिता नू लुट लिया, सतनाम सब कुछ ही तुहानू दे। बाबा श्री चंद कि घाना कमाई, पर गुरु नहीं हैं, साधु ने, फकीर ने। गुरु अंगद देव महाराज ने मत्था टेकया, आग्या लई आए, एक दो जिहड़े वस्त्र सी रूटीन वाले पाउण वाले, ओ चुक लए ने। तद पर जाए अमोर सोपन जहे, पयो त्यार चलन को छिनत है। सिख संगतां नूं सारिआं नूं मिले ने, गुरु नानक साहिब महाराज ने वधाई बख्शी है। याद रखियो शरीरक तौर ते इह आखरी मिलाप है गुरु नानक साहिब जी दा ते गुरु अंगद देव पातशाह। इस तों पहला सतगुरु कदे वी एक पल एक छिन वी भाई लहना जी नूं अपने तों दूर नहीं सी होण दिंदे। सख्त बचन आखे ने, साडे तन दे परित्याग तो बाद संस्कार ते भी तुसी नहीं आउणा। जिउं अंतम दीदार कीते, दुनियावी तौर ते साडा मित्र होवे, रिश्तेदार होवे, जिंदगी भर असी वरतीए ना वरतीए, पर जदों दुनिया तो चले जांदा ना, उदों समाज कहिंदा है वी आखरी बार मूंह देख लो अपना सी। एक हमदर्दी हुंदी है, पर गुरु साहब आखण लगे इस रिश्ते विच मोह नहीं है, ये प्रेम का रिश्ता है। रब मिलिया किन्हां नूं है? जिन्हां अंदर प्रेम है। गुरबाणी ने स्पष्ट आख्या है, साच कहू सुन ले हो सब है, जिन प्रेम की हो ते नहीं प्रेम। गुरु अंगद देव महाराज अखां च नीर लेंगे, हंजू लेंगे, वराग करते हुए करतारपुर साहब तो चल पे। दुनियावी पद्धर ते विछड़ के रोना हुंदा है, धर्म की दुनिया में रब नाल जुड़िया दी अखां च आए हंजुआ नूं वराग कहिंदे आ। सारियां संगतां तों आसीस लै करतारपुर साहिब नूं मत्था टेकिया, घोड़ी ते सवार अपने नगर नूं चल पए। वै अधीन करही अष्टांगी, मंदे चरण कमल अनुरागी। चित नहीं सी करदा जाण नूं विछड़न नूं, पर विछोड़ा भी अचनचेत। एकदम ही सतगुरां ने कह दिता असीं तन दा परित्याग करना चाहुंदे आ, गुरु अंगद जी तुसीं चले जाओ। गुरु नानक वसदे किथे आ? गुरु अंगद के हीए माहे। ये बचन आउण वाली कथा चल रही है वी गुरु नानक साहब का वासा गुरु अंगद दे पातशाह दे हिरदे दे विच है, वो जोत उत्थे वरदी है। चले सतगुरु, कोई सिख नाल नहीं, कोई सेवादार नाल नहीं, एकांत विच चले रावी नूं पार कीता, खडूर साहब दे राह पै गए। मुड़ मुड़ के पिछे उस नगर करतारपुर नूं वेखदे आ जिथे हजूर सतगुरां दी बड़ी देर तक संगत माणी है। मन सौंप्यो गुण खानी पासो, तन गमन्यो जित दिशा आवासो। महाकवि भाई संतोख सिंह आखदे आ, कहिंदे शरीर चलिया खडूर साहब, हिरदा ते करतार हुई रह गया, सतनाम दिल ते सजन कोल ही है, रूह ते गुरु नानक साहिब दे कोल ही है, शरीर तुरिया जांदा।
पछतावा है, वैराग है, विछोड़े का अंदर अंदर दुख है कि गुरु पातशाह सतगुरु जी अंतम समय भी सानू अपने दीदार ना बख्शे। ऐडा मान गुरु साहब ने भाई लहणे नू बख्शिश कीता ते ए बचन कैसे कह दिते, जो जरे नहीं जांदे दोहरा विदा हुए जग गुरु ते श्री अंगद सुखरास सने सने आवत पए ग्राम खडूर आवास। हौली हौली चलते सतगुरु नगर खडूर साहब आ गए। शाम का वेला किसी नू मिले नहीं क्योंकि सुभा पहला भी भाई लहना जी का बड़ा नरम सी, पर जिस दिन गुरु नानक दे हो गए नरम तो नरम हो गया। सिख के सुभा दे विच पोलाइटनेस होती है, नरमता होती है, इन्ना नहीं मां जे कोई मंदड़ा बोल भी आखे ते हाथ जोड़ देता है। सेवा कौन कर सकता जिदे अंदर निम्रता है, ते जे तुहाडे साडे जीवन विच आकड़ होवे सेवा नहीं कर सकते, नाम नहीं जप सकते। गुरबाणी ने सब तो पहला सिख के जीवन विच निम्रता ते मिठास बख्शी है। वो दोने गुण भाई लहना गुरु अंगद दे पातशाह गुरु नानक साहब तो लै आए, अंतां दी जीवन विच मिठास है ते अंतां दी निम्रता है। आए खडूर साहब चुप चपीते अपने घर आए, प्रवेश होए किसे नू बुलाया ना, चौपाए मिले तबे सगरे नारे आए, बंद है कुशल बूझ हर खाए। इथों दे लोग कुछ सिख सी साथी सी, क्योंकि गुरु अंगद देव महाराज जो भाई लहणे के रूप में सी उदों कांगड़े जाते उत्थे जाना, वैष्णो देवी के दे चाले ते जाना, भगत सी उन्होंने ते जेड़े इन्हां दे साथी सी संगी सी जगरातियां ते जाण वाले उन्हां नूं पता लग्या उन्हां लई ते भाई लहणा ही है ना, अजे ते ना प्रगट नहीं होया, पता लग्या भाई लहणा जी नगरे आए हो मिलन वास्ते आए भी ते रब रत्ती रूह है बंदगी वाले आ, सब कुछ ही छड के चंगा घर बार सब कुछ सी। ऐसी गुरु नानक साहब की सेवा की लगन लगी, दुनियादारी छड़ती अपनी वो गद्दी छड़ती जिस गद्दी ते बह के पहला जगराते करते सी। मिलन आए अंतां दी निम्रता नाल सारिआं नूं मिले, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई वड्डा है, क्योंकि उदों वर्णवंड बहुत सी उस समय दे विच, लोकां च जात पात बहुत है ते चलो अज नहीं है, फर्क ते कोई भी नहीं पैणा, पर उदों ज़्यादा सी। जे कोई छोटी जात दा लोक मनुख उस नगर विच वसदा है गुरु अंगद देव जी ने कदे किसे नाल वितकरा नहीं रखिआ, किसे नूं नीच ही नहीं समझिआ, चाहे कोई जिमीदार है कोई ब्राह्मण है खत्री है, जेड़े इन्हां दे मित्र ने इन्हां नूं प्यार करन वाले आ उह दर्शन करन वास्ते आए, क्योंकि कुछ मित्रां नूं इह गल समझ आ गई सी वी गुरु नानक साहिब दी संगत करके इह गुरु नानक हो गए। आए बैठे रब दीआं गल्लां, पर सुभा वेख बड़े अश्चर्ज हन वी बहुत घट बोलदे आ गुरु अंगद दे बार, सुणदे बहुत ज़्यादा। जिस इंसान की स्रोत वड्डी होवे जो सुनदा ज्यादा होवे वह जीवन में सियाना होएगा, बहुता बोलन वाले ये पता ही नहीं लगता बोल की गए ने। कन रब ने दो दिते आ जुबान एक दिती, भाव कि सुनो ज्यादा बोलो घट। ते गुरु अंगद देव महाराज ने सब दियां गल्लां सुनिया, किसी ने कोई सलाह दिती किसी ने कुछ आखिया किसी ने सुख शांत पूछी किसी ने कहा नगर रहा करो किसी ने कहा तुसी पातशाह सारा कुछ ही छड़ दिता जी मुड़ के चाले ते नहीं गए तुसी धर्म भी त्याग दिता, सब दियां सुनते सब नूं प्रेम बख्शिया है। जथा जोग आदर सब ही का करत पए तेहन कुल टीका। तेहन कुल दे मालक गुरु अंगद दे महाराज अपने नगर विच वसन लग पए, किसी ना फालतू गल ही ना की असी क्यों करतारपुर साहब छड आए, गुरु साहब ने ज्योति ज्योत समाउणा है कोई गल नहीं की, क्यों क्योंकि हुण अंतर आत्मा अवस्था बहुत वड्डी है, हुण ते परमेश्वर ने परमात्मा ने रब नूं किसी गल का फर्क नहीं हुंदा, वो किसी नूं दुख नहीं दिंदा किसी नूं सुखी नहीं बनाउंदा, सुख ते दुख मनुख अपने कर्मां दे भुगतदे।
वो किसी का वैरी नहीं, सारिया का साझा है, सब ते दया करता है। उदे लई कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, परमात्मा समुची मानवता का रब है, वो सबनों प्यार करता है, सारे वो धी पुत ने। हुण गुरु अंगद देव महाराज उन्हां कोले आके कोई वध घट भी गल कर जांदा है, कोई छोटी गल भी कर जांदा है, कोई समझाउण भी आउंदा है, पर वो किसी नूं कुछ नहीं कहिंदे, जथा योग आदर दे रहे आ, सत्कार दे रहे आ। ते सतगुरां दे धर्म पत्नी माता खीरू जी, जिहड़ा भी मनुख घरे आउंदा है भोजन पानी छकाउंदे हन, सगली कला विशाल दोराई, नह किसके संग कबह जनाए। निमरता इन्नी सी किसी नूं इह वी ना दस्सिया वी साडे कोल गुरगद्दी गुरु नानक साहिब दी है, असीं ही गुरु नानक दा आवां छुपा के रखिया, यही ते साडे दसे सतगुरां दा वड़प्पण है। सारा इतिहास आपां पढ़दे सुणदे, तुसीं गुरु नानक साहिब दी सारी कथा सुणी, कदे सुणिया मर्द ने कहा मैनूं गुरु आखो, मैनूं रब आखो? लोक की कहिंदे सी, कोई आखे भूतना ऊ कह बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, फर्क ही नहीं लगा। किसे ने चंगा भी आखिया, माड़ा भी आखिया, किसे ने सफाई नहीं दी, बोले नहीं किसे कुछ। हाँ, जब कोई टेढ़े पखंड दे राह चलिया, उन्हूं सीधे राह पाया, सजना तू ये माड़े कर्म करदा, इहदे नाल मानवता की बुराई है, ये छड़ दे। ते गुरु साहब ने कदे नहीं कहा भी तू इस्लाम छड के मेरा सिख बन जा, सारी जिंदगी भाई मरदाना जी सतगुरां दे नाल रहे सारी। ते जो खुरम दरिया ते शरीर छड्डिया, की आख्या सी, मरदानिया कर अल्लाह नूं याद, कदे नहीं माड़ा किया। जिहड़ा जिथे जुड़िया कहिंदे जुड़िया रहे, तू जुड़ते सही परमात्मा दे। अज गुरु नानक दा सरूप होए, गुरु अंगद देव महाराज कहिंदे किसे नूं नहीं टोकदे, तू ये कर्म कांड करदा, तू पखंड करदा, कहिंदे वो अपने आप विच मस्त ने, उन्होंने आपा छुपा लिया, अजर कर लिया, किसी नूं यह प्रचलित भी नहीं किया भी गुरु नानक साहब तो बाद उन्हां दी गुरगद्दी ते असीं होवांगे। देखो किड्डी वड्डी बड़ियाई है, साडे ते धी पुत दे माड़े जे नंबर वध आ जाए, परसेंटेज चंगी आ जाए, सारा महला सिर चुक लईदा, किसी का वीजा लग जाए, थोड़े जे बैंड आ जाण, सारे महल्ले नूं दस देईदा भी लै साडा ते मुंडा दिन रात पढ़ता रहा जी, असीं फुल जांदे। पर बंदगी वाले ज्यों ज्यों नाम जपते ने, त्यों त्यों निम्रता च गहरे होंगे जाते, वह जग दियां गल्लां जग दियां बातां त्याग देंदे ने, वो अंदर का अंतरीब आनंद बन रहे। गुरु अंगद के पातशाह अपने आप विच रहिंदे, मस्त रहिंदे, अपने निज स्वरूप का गुरु नानक साहब का हर वेले ध्यान धरदे ने। जो हिरदे कर भोज ग्यासा, आए करन सेवा तिन पासा। जो जेड़ी आस लेके आउंदा उहदी आस पूरी कर दे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने आख्या सी, अंगद जी तुहाडी रसना ते साडा वास है। जो गुरु अंगद दे महाराज आखदे आ, रब सबबी सुभावक वो पूरा हुंदा ही है। अबे अपदेशै हित कल्याणा, परे को बंधन कर है हाना। किसे ते कोई आफत बिपता दुख आदि हमदर्दी करते हैं, सिख संगत मिलन आदिया ने, पर गुरु अंगद देव महाराज किसी नाल खुल नहीं रहे, क्योंकि हर वेले नेत्रां च अथरू ने, वैराग है गुरु नानक साहब के चरणों की प्रीत का। रब नाल जुड़िया मनुख जग विच हुजता नहीं करता, घाट वाद नहीं पछाणदा किसी की, भी तू माड़ा ते मैं चंगा, वह कहिंदा सारी दुनिया भली है, हर थां ते परमात्मा वसदा है, जो बनाए उन्हें ने साजे उन्हें ने, इत्थे फिर बुरा आउणा खुसलदा नहीं। जे बुरा लभण तुरीए ते अपने तो वध बुरा कौन है जी, बंदे दे मन तो वध बुरा कौन है, सानू दूजे विच अवगुण लगदा, अपने अवगुण भी सानू गुण लगदे आ, पर जदों मनुख धर्म नाल जुड़ जांदा उह कहिंदा मेरे च अवगुण बड़े आ, मेरे च गुनाह बड़े आ, बख्शंद मेरा सतगुरु है। हुण आपां ते कहिंदे साडे च ते औगली कोई नहीं, ते गुरु नूं आके कहिंदे महाराज बख्श लो। सिख दी इह निमरता, उहने गुरु अगे अरदास करनी, महाराज पल पल सवास सवास सां सां नाल असीं गुनाह करदे हां, निंदिया चुगली ईरखा द्वैषा जीवन का गहना बनिया पिया, इस लई नाम जपियां भी शांति नहीं आ रही,
पर उस वेले गुरु अंगद देव महाराज सब का भला कर रहे हैं जी। हुण नगर के लोग मिलन आने लगे आ पर गुरगद्दी ते नहीं मिलते, पूंजे बहिंदे आ, सिख संगतां नूं मिलदे आ, रब दे गीत गाउंदे ने। निज परताप जो सर्ब छिपावा, सूरज मनो बीच घट पावा। महाकवि भाई संतोख सिंह आखदे आ वी गुरु अंगद देव महाराज अपने प्रताप नूं छुपा रहे ने, प्रगट नहीं करते किसे। जिवें किसी ने समुद्र नूं कठिया करके कूजे च पा लिया हो, छला ही मार दिया। किसी ने सूरज नूं फड़ के एक प्रमाण दिता उन्होंने, लुको लिया हो पता ही नहीं लग रहा। जिवे बदल सूरज नूं लुको लैंदे कुछ समय लई, धरती ते नेरा जिहा छा जांदा है। गुरु अंगद देव महाराज ने अपने स्वरूप नूं इन्ना क अलोप कर लिया, सारा दिन दरवाजा ला के कमरे विच बैठ के नेत्र जोड़ चौंकड़ा ला बंदगी करते रहिंदे आ। गुरु नानक नानक जपदे ने, इन्हु नाजर जर्यो इन जैसे, तीन काल में पयो ना ऐसे। तिन्ने कालां विच देवी देवते पीर पैगंबर औलिए अवतार होए, पर गुरु अंगद दे महाराज वर्गी सहनशीलता किसे च नहीं। अजर भी जर लैना फिर भी जताउणा नहीं आता। ते इत्थे किसे च गलती होवे ना, कोई पाठ करदा गलती करदा सी हुब के दस दिओ इदां नहीं इदां पढ़ी ते दसी दा भी मैनू बहुत पता है, मैं गुरुद्वारे बहुत जाना जी, मैं पाठ बहुत करता सी ते नाम बहुत जपदे ते यात्रा बड़ी करते हैं। साड़ी ये होमे है धर्म नाल जुड़ी हुई, साड़ी होमे कहिंदी असी ते साडा सारा टब्बर सवेरे उठ जाने, मतलब तुसी नहाउंदे ही। फिर की हो गया जे तू उठ जाना है, तेरे नालों ते ना नहाउण वाला चंगा क्यों, क्योंकि जिन्नी होमे तू इशनान करके लई फिरदा इन्नी मैल तेरे अंदर लगी पई है। अज असी धर्म नूं किदां वरत रहे हां, दूजे नूं नीचा विखाउण वास्ते। असी ते जी पंज बाणियां दा पाठ करदे हां, भागां वाले हां, मतलब इह कहिण दा भाव वी आ ते नरकां नूं जाऊगा, इह ते उठदा नहीं सवेरे, इह ते नाम नहीं जपदा, इह ते सेवा नहीं करदा। नहीं, अजर जरन ज्यों ज्यों बंदगी करिए त्यों त्यों निम्रता अंदर आई जाती। किसी के औगण मनुख फोलन हट जाता है, वह अपने गुरु नाल मिलना चाहता, सतगुरु दीदार बख्श दे। इको चाहत रही दर्शन देख जीवा गुर तेरा, गुरु नूं वेखण दी चाहत रही, सतगुरां दे बचन पढ़न दी चाहत रही है। दिन रात जप जी का जाप करदे आ, जिस बाणी नूं सतगुरां ने नाम दिता जप, गुरु अंगद दे पातशाह ने जप जी नूं जप जप के इन्नी सहनशीलता प्रगट कर लई, कोई उच्चा माड़ा बोल जाए कदे कन्ना तो अगे नहीं गया, कदे फर्क नहीं पिया। उत्पत पालन शक्त त्रिलोक, सिंध शक्त में सब जन रोक। जग नूं पालन हारे नाश करन दी शक्ति रखदे गुरु अंगद दे पातशाह, पर जिताए नहीं कदे। वडियाई अपनी रखी हो नहीं कदे, साडे कोल कोई माड़ी जी ताकत होवे दुनिया में। चार बंदे सानूं जाणदे होण ते बंदा फोटो ही खिचाउंदा फिरी जांदा, आपे ते बाहर होया फिरी जांदा। पर धन गुरु नानक साहब का स्वरूप गुरु अंगद दे पातशाह, गुरु बनन तो पहला गुरु नानक साहब कोले आउण तो पहला भी उन्हां दी वडियाई बड़ी सी। जदों कांगड़े जांदे सी ना उदों भी उह जथा लैके जांदे सी, मुखी सी अपने जथे, कदे माणी नहीं रखिया, सेवादार बन के रहे। अज गुरु बन के भी सेवक बन के बैठे आ, अज तो सेवक भी घट रही जी। फड़ा दौ किसी लंगर में बाल्टी दाल दी, उन्होंने चार बाजा मार लो, कहो बाबा जी प्रशादा, कहता कोई नहीं बह जा आराम नाल, अड्डी की अग लगी मुड़ के अगला प्रशादा ही नहीं मंगता। साड़ी हालत यह असी सेवा करते भी जथेदार वाली पावर चक्की फिरते, मैं चक्की फिरते हाँ, पर धन हो गुरु के प्यारे जिहड़े ज्यों ज्यों सतगुरु नाल जुड़ी जाते त्यों त्यों निम्रता दे विच आके झुकी जा रहे हैं। जिस रुख नूं फल लगता रुख हमेशा ही नीवा हो जाता है। सिमल ते सफेदियां दे रुख सब तों उच्चे आ, की लगता उन्हां दे फल उन्हां दे फुल उन्हां दे पत्ते किसी के काम नहीं आते, क्योंकि हंकार है। बांस के रुख सारिया तों उच्चे आ,
की लगता है फल आता कि वो शाम भी कम नहीं होंगी किसी क्योंकि वह घबंड है हंकार है तो जिन्हों रुखा फल लगे उन्होंने निम्रता इन्नी फल चुका लेंगे आ गुरु अंगद देव पातशाह की निम्रता की चर्चा खडूर साहब च हो रही है सतगुरों की तो निम्रता है ही है उन्होंने धर्म बदली माता खीवी जी जिन्हों के नाम से अज भी खडूर साहब की धरती से लंगर चल रहा है लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर गया नहीं ऐसा प्रेम है ये कथा की शुरुआत हो रही गुरु अंगद देव पातशाह जी के जीवन कहते जो इलाके के चौधरिया पता लगे उन्होंने मन च आया भी चलो पर भाई लैना भी मिला ही क्योंकि ना तो लैना भी मिल के आई उन्होंने वेखिए तो सही उन्होंने रंग कि चढ़े आ सुने गुरु नानक साहब के खास मखास सेवकों के कहते जेड़ा भी आ चरणा तक झुक जाते हैं कि साडे जीवन में हलीमी हो जाए ना जी असी लोगों सुधारते फिरते हैं वो तू जी कह के बोलिया कर तू चंगा रहा कर बन के नहीं शुरुआत अपने आप तो करिए जी कहना सीख लीए मिठा बोलना सीख लीए वेखो सत्कार होंगे असं कहने भी मैं जिम्मे मर्जी बोला पर मैनू जी कह के बोलना है छोटिया प्यार से व्डिया का आदर करके वेखो आही जीवन स्वर्ग बन जाना सतनाम मरिया तो स्वर्ग की नहीं वेख्या गुरसिख का जीवन से ज्यौदे जी स्वर्ग है ज्यौदे जी सचखंड है तो गुरु अंगद देव पातशाह को जेड़े आके बहिंदे उन्होंने चित करता रोज बैठीए हूँ साडे टब्बर च कोई सड़े जे सुभा आला होवे यार बच्चे भी बुलाना पसंद नहीं करते कहिंदे इहनूं कम कहण नाल आप ही कर लो खड़े कुआरे ना ही मिलो तो लोग भी रिश्तेदार पुछते कहिंदे विआह च तुसीं आ रहे हो वो आऊ कहिंदे आऊ भाई जी नाल कहिंदे चलो ठीक है तो जिहड़ा रंगले सुभा दा होवे मिठ बोलना होवे उहनूं दुश्मन भी कहिंदा यार उहनूं लै आउंदे नाल सुभा चंगा तुसी चंगे हो तो जग चंगा है आपां अंदरों विचारा करके बुरे मन लो मेरा मन बुरा है मैं दूजे प्रति चंगा सोच ही नहीं सकता जिहो जी मेरे ऐनक लगी मैनू उहो जिही दसणा ना मैं काली लाई मैनू काला संसार दिसी जाणा छां दिसी जाणी जे मेरे अंदर गुण होणगे ते मैनू औगण किसे ते नहीं दसणा मेरे अंदर पाप ते गुनाह होणगे मैं चंगियां ते वी शक करूंगा सतनाम हुण गुरु अंगद दे मर्द नूं मिलण आउंदे वेख वेख रोज संगत च आउण लग गए कहिंदे ते बोलदे ही नहीं इज्जत सत्कार बोलण दा लहजा इन्ना प्यार उहनां दे घर परिवार विच गुरु पुत्र भी गुरु अंगद दे पातशाह दे पुत्र ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕ ਵਿਖੇ ਨਵ ਸਭ ਲਈ ਜੈਸੇ ਇਸ ਵਿਦ ਰਹੇ ਸਦਨ ਨਿਜ ਬੈਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਰਸਾਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ कई महीने नगर च बतीत किए भाफ तक ना किसी नूं कढ़ी भी गुरु नानक साहब ने सानू अपना रूप बनाया सानू अपना ते आपां माफ करियो किते गलती नाल किसी गुरुद्वारे च चीनी की बोरी दिती हो किते सेवा धीसा पाया हो कोई कणक झोना सटिया हो हुब के दसी दै लै हर साल असी ते फलाने गुरुद्वारे दान दई दै सेवा दई कमांड हंकार हर चीज़ ना जुड़े है हुण गुरु अंगद देव महाराज वल वेख वेख सारे अश्चर्ज उधर करतारपुर साहब दीआं संगतां याद कर दीआं ने पर गुरु पुत्रां नूं हुण फर्क नहीं पैंदा कोई क्यों उहनां नूं फर्क उदों तक सी जदों तक पिता की गद्दी लैणी चाहुंदे सी उदों रोज विरोध करदे सी भाई लैणा सी चुप ने खुश ने पर कदे कदे सोचदे आ भी हुण खुश होया भी की होणा है गुरगद्दी ते साडा हक बणदा सी लै गिआ सी फिर मन चाहुंदा कोई नहीं संगतां साडे आणी पर गुरु अंगद दे मर्द दे चित चेते विच भी सुपने विच भी ऐसा नहीं भी असी कदे गद्दी ते बैठांगे बहिंदे संगत जी एक पासे एनी निम्रता दा वरतारा वरत रहा उधर करतारपुर दी धरती ते संगतां गुरु अंगद दे पातशाह नूं नित चेते करदियां ने इनके श्री पद पंकज ताई कब संतोख सिंह बंदन गाए महाकवि भाई संतोख सिंह आखन लगे गुरु अंगद दे पातशाह दा अजर जन्म वेख के उन्हां दी निम्रता वेख उन्हां दा प्यारा सुभाव वेख
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਡੰਡਾਓ ਵਦਨਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਲੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹਸਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇਜ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਗੋਦ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਗ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਕਈ ਹੋਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਤ ਜੋ ਭਇਓ ਪਰ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਸੋ ਸਰੋਤਾ ਸੰਗ ਅਮੰਗ ਮਹਾਂਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਛੁਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੇ ਲਪੇਟ ਲਏ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਸੂਰ ਸੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਧੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰਲਾ ਤਨ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ ਕਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮਰਦ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਖੀਰ ਕੜਾ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਕਰਦਾ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲ ਜੋੜੂ ਬਈ ਆ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਸ ਤੀਨਾ ਚਾਟਿਓ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਦਾ ਬੰਦ ਨਿਜ ਕਾਟਿਓ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਅਸਚਰਜ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਡੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਖੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗ ਗੁਰ ਕੋ ਜਹ ਦਰਬਾਰਾ ਹੁਤੋ ਅਗਾਰੀ ਚੱਲ ਦਲ ਭਾਰਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਹਲੜ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟਣ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਲਦਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਲੱਗਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨੇ
ना कोई परिवार का जी है ते ना कोई संगत बैठी है, कल्ले गुरु नानक साहब पेपर दे रुख थले चौंकड़ा मार के दोपहर दे समय बैठे ने। सगन छाओ सोबत रमनी का तह बैठे बेदी को लटीका। सगड़ी की शाम रमणीक जिहा माहौल, कल्या का चौंकड़ा लगा। कहते जदों किते हवा चलती है पिपल के पत्ते खड़ खड़ करते हैं, आवाज आती है पिपल के पत्तियां की, आवाज आवे तो समझो पोल्यूशन घट है, माहौल साफ है, शांति बहुत है। तो सतगुरां ने उन्हें पत्तियां वाल वेख्या भी खड़ खड़ाक करते खड़ कर फिर चौंकड़ा ला लिया। पर सिख वेखते भी अज गुरु पातशाह कले बैठेगा, किसी ने आवाज नहीं दिती। बाबा बुढ़ा जी ने भी कहा भी तुम साडे कोले आ जाओ, सहज सुभा धर्मशाला च उठे इकले आके बैठ गए। कृपा भरे दवै नैन रसीले, कलख नंदन देख छबीले। सतगुरां नूं इकले वेख भाई भगीरथ बाबा बुढ़ा जी ए ब्रह्म ज्ञानी सिख जो सतगुरां दे करीबी ने भज के नेड़े आए, वेखिया हजूर कले चुप ने, बुला नहीं रहे किसे नूं। मर्द नूं आके मत्था टेकिया, सतगुरां रसीले नैणां नाल वेखिया, नजर पा गए, फिर नजरां नीवियां कीतियां ने। तत ज्ञान मैं कोमल बोला, श्रोण सुनावे मदर अमोला। बड़े मिठे मिठे बचन गुरु साहब आखन लगे, कहिंदे आओ गुर सिखो। भाई किवें आए ते सिखां दे मन च वराग बड़ा सी भी गुरु पातशाह कल्ले बैठे आ, शायद गुरु अंगद दे पातशाह जी का विछोड़ा है। ये तो है ही है, प्रेम है। जे गुरु अंगद दे महाराज गुरु नानक साहब नाल प्रीत करदे, की गुरु नानक साहब गुरु अंगद देव नाल प्रीत नहीं करदे? बहुत करदे आ, प्रेम सी क्योंकि रूप एक ने। सतगुरां दे जाण तो बाद ना खडूर साहब गुरु नानक साहब मर के कल्ले कल्ले चुप चुप रहे। उस कोल बैठे सतगुरां ने बड़े प्यार भरे लहजे नाल ए नाम बचने आखे ने। सांग आरंभे सिख जे पलाए, सो सुन परखन बिद पछताए। गुरु साहब पुछदे कहिंदे सिखो संगत क्यों घट है? मर्द ने पुछया। फिर बाबा बुढ़ा जी आखन लगे, कहिंदे मर्ज आपने एक सवांग रंभिया सी, एक चोज वरताया सी, उस चोज की कसवटी तो डरदियां ते डरदे सिख, संगतां डरदियां ते डरदे सिख इतों भज गए। कोई हल छड के भज गया सी, कोई लंगर च उठ के भज गया, कोई कहिंदा सतगुरु पहला वर्गे नहीं रहे, सारे दौड़ गए सी। बहोरो आए हजूर अगारी, निज योगन संग बिना उचारी। सतगुरु ओ संगतां हुण आ रहियां ने, जे आप आ गया दिओ ते संगत नूं बुला लईए, क्योंकि सिख डरदे सी भी असीं मर्द कोलों भज गए किहड़ा मूंह लै के जावांगे पातशाह नूं, पता नहीं बख्शणगे नहीं बख्शणगे। बड़े प्यार च खिड़के गुरु नानक साहिब कहिंदे भाई लै आओ रब रतियां संगत नूं, लै आओ। सिख आए चल गए, बस चरण फड़ के माफियां मंगण रोण, पातशाह असीं गुनाहगार हां तुहाडे, जद तुसी सानू परखिया असी सारे दौड़ गए। बख्शा मैं हर पास रहे ही, सेवे चरण कमल सुख लेहि। पातशाह कृपा करो बख्श लो, बख्श के अपने चरणा च इत्थे सेवा रख लो। महाराज हुण ना जे परखियो आखो सतनाम, असी कलजुगी जीव आ कसवटियां झल नहीं सकते, छेती डोल जाने आ। शब्द अभ्यास होत नित भारे, गाए सुप्रीमा अर्थ बिचारे। आईया संगतां नूं सतगुरु कहिंदे सिखो अभ्यास करिया करो, शब्द दा जप जी पढ़िया करो, नाम जपिया करो। गुरु के सिखां ने सतगुरां दा हुक्म मन्निया, आरंभ करती बंद की धर्मशाला विच पहला वांगू रौनकां संगतां दीआं हजारां तों लखां सिख हो गए, लखां तों होर वधी जांदी गिणती। एक सिख आउंदा दस नूं दसदा वी सच्चे पातशाह पहला वाले सुभाअ विच आए ने, हुण संगतां नूं मिल रहे आ। इह वी रौला पै गया सी पहला मर्द जंगलां च चले गए डंग फेरदे हरेक दे, उह वी प्रचलित होया ते हुण द्वार तों संगतां करतारपुर साहिब नूं रुख कर रहीआं।
गुरु नानक साहब दे दीदार कर करके सिखी प्राप्त कर दिया ने। कण में महिमा बहु जागे आवे दर्श करें बड़ पाके। उस वेले दे तुरक मुसलमान गुरु नानक साहब नाल प्रीत करन वाले सतगुरां नूं अपना पीर मनन वाले ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜ਼ਿਆਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਖੋਸਾ ਲਗਾਓ ਚਿੰਦਣ ਪੈਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਗੇ ਬਹਿਣਾਂਗੇ ਕਦੀ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਨੇ ਕੁ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਵੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲਾ ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਰ ਕਲਿਆਣ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।